हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के पार्ट में हम क्या करेंगे गाइस, प्रोफाइल अपडेट का एपीआई क्रिएट करेंगे, और उसके लिए कुछ और भी एपीआई रिक्वायर्ड है, जैसे स्किल्स, तो वो भी क्रिएट करेंगे। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है ना, हम कहने के लिए तो बस प्रोफाइल अपडेट करेंगे, लेकिन मल्टीपल चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो गाइस, और वेल नोटिफिकेशन को आप ऑन करो ऑल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीजें काम की हैं, जैसे देखो अभी मैं पैकेज इंस्टॉल कर लूंगा तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो टाइम नहीं लगा वो काम करते हैं, फिर पैकेज इंस्टॉल करके अपना अदर काम करते रहेंगे, राइट। पहले मैं कंट्रोलर क्रिएट करना होता है, पीएचपी आर्टिशन मेक कंट्रोलर स्पेस, देखो स्पेस टाइप हो रहा ही नहीं, एपीआई स्लैश, मैंने वर्जन यूज नहीं किया तो बात ही खत्म। तो पहले बनाते हैं प्रोफाइल अपडेट कंट्रोलर। और लास्ट में हाइफन हाइफन इनवोकेबल, एंटर कर देंगे। लेट्स वेट, दैट्स गुड। अब क्या करेंगे, स्किल्स कंट्रोलर, तो सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे, बस यहाँ पे कर देंगे स्किल्स, एंटर कर देंगे। मैंने दो कंट्रोल क्रिएट किया। अब देखो क्या करना है हमें, एक के जैसे हम लोग जब यूजर करता है लॉगिन ना, अब यूआई तो मैंने डाउनलोड करके रखा नहीं है फिग्मा फाइल में, आप फर्स्ट वीडियो देख लो, ये रुको देखते हैं, ये खुल जाता है, यदि खुल जाता है तो मैं देखता हूँ figma.com, इंटरनेट से एक बार खुल जाएगा, कोई नहीं खुलने दो। देखो हमें एक अबाउट वाला सेक्शन ऐड करना यूजर टेबल के अंदर, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम डाटाबेस जो है यूजर उसमें अपडेट करें, वो करें हम तो रीमाइग्रेट करना पड़ेगा, नहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो डाटा है वैसा ही रहे, एक्स्ट्रा डाटा मैं ऐड कर दूँ, तो मैं क्या करूंगा, पीएचपी, ओ माय गॉड, पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन, उसके बाद से क्या करेंगे, एड अबाउट अंडर स्कोर, सारा अंडर स्कोर साथ लिखना इन यूजर्स। अब ये देखो ये जो यूजर्स लिखा हूं ये एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए कि टेबल नाम जो है, आप माइग्रेशन में जाकर देखो टेबल नेम जैसे है वैसा ही चाहिए, अंडर स्कोर टेबल ये भी ऐसा ही चाहिए, एंटर मार देंगे, राइट। लेट्स सेट, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी मतलब माइग्रेशन क्रिएट नहीं करें क्योंकि हमारा जो ये है ना टाइम लगेगा, वो चीज जब प्रोफाइल अभी पैकेज इंस्टॉल करेंगे टाइम लगेगा, तो बेटर इसको ऐसे छोड़ देते। अब हमें क्या चाहिए, यूजर इन्फो, देखें यार पहले ये हमारा फिग्मा वाला ओपन हो गया क्या, हो जाता है को दिखा के करने में कुछ और बात होती है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है, लारावेल हैज मैनी सिंक, बिकॉज जो लारावेल हैज मैनी सिंक है, हम लोग अटैच मेनी टू मेनी को सिंक कर सकते हैं, लेकिन हैज मेनी वाले रिलेशन को सिंक नहीं कर सकते, उसका यूज करने के लिए मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया है, अभी इंस्टॉल नहीं किया आपके सामने करेंगे, ये खुलने में भी टाइम ही लग रहा है यार, क्या गजब पेज भी है ये वर्क विस। और एक चीज बता दो यार, जो फिनिक्स कार्ड का जो लोग सोर्स कोड का मैसेज कर रहे हैं यार, एक बार डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो, उसमें सोर्स कोड दिया हुआ है, और ये हमें नहीं समझ में आ रहा फॉरगेट पासवर्ड का लोग क्या मांग रहे हैं, हमें जहां तक याद है हम जो सोर्स कोड है कंप्लीट मैंने झिप करके दे दिया था, यदि फॉरगेट का पासवर्ड का बना होगा तो उसके अंदर होगा, नहीं होगा तो नहीं अवेलेबल होगा, मैं अलग से बना के देने वाला तो हूं नहीं, तो यदि फॉरगेट पासवर्ड ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं है तो समझ लो वो चीज बना ही नहीं है, और वीडियो में रिकॉर्डेड है तो वहां से कोड कर लो, लेकिन यार मिसिंग कैसे हो सकता है मैं जहां तक याद है। और यदि डी पैनल की बात कर रहे हो फॉरगेट पासवर्ड, तो इनबिल्ट है उसके अंदर ही, वो पैकेज के अंदर है जो कि एडमिन पैनल का पैकेज है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं, बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है यार, क्या यार टाइम लग रहा है, चलो कोई नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे एक टेबल मॉडल और माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना है, तो पीएचपी आर्टिशन मेक माइग्रेशन,
सॉरी मेक मॉडल, और यहाँ पे कर देंगे यूजर इन्फो, यूजर इन्फो, और लास्ट में हाइफन एम पास कर देंगे तो हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब ये क्रिएट हो गया ना, अब एक काम करते हैं, इस पैकेज को इंस्टॉल में लगा के छोड़ देते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए कंपोजर रिक्वायर्ड है, कॉपी करते हैं और इंस्टॉलेशन में मैं लगा के छोड़ देता हूँ, और तब तक दूसरा काम करेंगे। ये होने दो क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मेरा लैपटॉप हैंग करेगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं चलता हूँ पहले अबाउट वाले पे माइग्रेशन में, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक चीज ऐड करूंगा, डॉलर टेबल। और एक चीज बता दूंगा, ये ध्यान देना अप वाले में होना चाहिए, डाउन वाले में नहीं, क्योंकि एक बार बहुत पहले मैं दूसरा प्रोजेक्ट में फंस गया था, क्योंकि मैंने डाउन काम नहीं, क्योंकि मैंने डाउन वाले में लिख दिया था, और सोच रहा हूँ मेरे काम क्यों नहीं करा, काम क्यों नहीं, क्योंकि वो डिलीट होता है ना कि ऐड होता है उस। तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, आप लोग मत फंसना। अबाउट ABOUT, अबाउट, राइट। हाँ एक चीज बता दूं, यदि आप ऐसे करोगे ना, मतलब एड इनटू दिस, तो आपको हमेशा ना लेबल ही रखना है या डिफॉल्ट वैल्यू देना, नहीं तो एरर देगा। आपको नलेबल या फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी ही है यदि आप ऐसे ऐड करते हो तो, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। दैट्स गुड, ये हो गया हमारा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब चलते हैं यूजर इन्फो पे। अब इसके लिए तो हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, लेकिन ये खुल गया हो तब ना, अभी तो वर्कपीस का खुला ही नहीं है डिजाइन। क्या यार क्या टाइमिंग है, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा लग रहा है। ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा ब्लैक है तो स्क्रीन दिखता नहीं है। इतना दूर मैं क्या कहते हैं एक्सपीरियंस चलाता हूँ, क्योंकि बी है तो दिखा है तो दिखा है तो दिखता नहीं, को है क्या चीज, कोई नहीं। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक यूजर आईडी चाहिए, फॉरेन आईडी, मतलब यूजर रहेगा फॉरेन, अरे डॉलर टॉवेल होगा यार, सॉरी टेबल होगा, फॉरेन आईडी, यूजर आईडी, यूजर अंडर स्कोर आईडी, लाइक सॉरी राइट। और इसके पास कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मैंने गलत डाल दिया का, नहीं सही है कॉन्स्टेंट। और कास्केड ऑन डिलीट, कास्केड ऑन डिलीट, ताकि जब यूजर डिलीट हो तो ये डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना आए, राइट। इससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सा यूजर कनेक्टेड है। अब देखो हमें क्या चाहिए, डॉलर टेबल। तब तक तो मैं बनाता हूँ, जब खुलता है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक यूआई खुला नहीं है, और वेट करेंगे टाइम लगेगा। और मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, इसमें देखो यार हैंग कर रहा है, तो कई बार तो आवाज रिपीट मार दे रहा है, क्योंकि मैं जब एडिट करता तो मिलता है, तो कई बार तो मैं डिलीट कर देता हूँ यदि ऑप्शन होता है तो, नहीं तो यदि ऐसा कई पॉइंट है जहाँ डिलीट नहीं होता है तो वैसे छोड़ देते हैं। एक डालेंगे टाइप, यानी कि ये इन्फो का कौन सा टाइप है, एक्सपीरियंस है या फिर एजुकेशन है, राइट। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, टाइटल फिर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, लेबल आप नाम अपने हिसाब से रख लेना, एक और मैं करता हूं लेकिन ये नहीं करूंगा, डॉलर टेबल एंड डेट, सॉरी यार डेट, और इसके अंदर हो जाएगा स्टार्ट, स्टार्ट डेट, राइट। ये रिक्वायर्ड ही होगा, लेकिन डुप्लीकेट करेंगे। अब एंड डालो, टिल डालो, मर्जी आपकी है, मतलब खत्म कब हो रहा है, इसको डालेंगे नलेबल, यानी कि जब अभी प्रेजेंट मतलब होगा तो नलेबल रहेगा, अदरवाइज इसका डेट एंड डेट डाल देंगे, राइट। ये हमारा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा अभी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हुआ है ऑप्टिमाइजेशन, और ये अलग दिक्कत है यार, क्या भेजती है, मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, देखते हैं कब तक लोड। देखो हमने क्या किया है, इधर आ जाए यार, इसको मैं कर लेता हूँ। हाँ देखो ये है ना, अबाउट हमारे टेबल में नहीं था तो मैंने अबाउट ऐड किया। अब देखो वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वाले को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एक ऑप्शन ऐड किया, क्या बोलते हैं, यूजर इन्फो से। और यूजर इन्फो में क्या है, ये जो टाइप है वर्क एक्सपीरियंस है कि एजुकेशन है, इसलिए मैंने टाइप ऐड कर दिया। टाइटल में हमारा ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजर, डेजिग्नेशन और ये सेक्टर जो भी चाहो। लेबल में मैंने डाल दिया है या तो कंपनी का नाम या तो यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद से क्या है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग और एंड, यदि एंड होगा एग्जिस्ट
तो डालेंगे, अदरवाइज नल छोड़ देंगे, राइट। ये मतलब एक ही चीज में हमारा दोनों आ जाएगा एक ही टेबल में। स्किल्स हमें ऐड कर ऑलरेडी है, लैंग्वेज हम ऐड नहीं करेंगे। यदि आपको ऐड करना तो जैसे स्किल्स है वैसे लैंग्वेज ऐड कर लेना, थोड़ा सा परिश्रम करो। और रिज्यूम का बात तो अभी बाद में है, क्योंकि इसमें के अंदर नहीं आता, राइट। चलो चलते हैं, यही चीज में एक्सप्लेन कर। अभी देखो अभी तक नहीं खुला है गाइस, अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि हमें भी माइग्रेट करना है। चलो वेट करते हैं यार, आई थिंक कुछ टाइम लगेगा, और जब तक हो रहा है तब तक मैं कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखते हैं क्या चीज एक्सप्लेन करने लायक है। हाँ क्या करते हैं, तब तक राउट बना लेते हैं ना, क्योंकि देखो हमने राउट तो हमें क्रिएट करना ही है। हमने स्किल्स कौन सा दो मॉडल क्रिएट किया था, कंट्रोलर आई थिंक, हाँ दो कंट्रोलर। तो चलो इसकी राउट्स पे चलते हैं, api.php, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राउट क्रिएट करूंगा। देखो जो स्किल्स है ना, ये आ जाएगा हमारा टॉप पे, यानी कि जॉब के नीचे या फिर जॉब के ऊपर कहीं भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे स्किल्स डाल के, इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है। यस के आई डबल ए स्किल्स, और यहाँ पे कर देंगे स्किल्स कंट्रोलर, राइट। अब आते हैं नीचे, इस वाले को डुप्लीकेट करते हैं लॉगआउट, यानी कि सेंटम के अंदर, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है लॉगिन। और यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट सॉरी प्रोफाइल हाइफन अपडेट, राइट। एंड देन इसको करेंगे प्रोफाइल अपडेट कंट्रोलर, राइट। ये हमारा यहाँ का काम हो गया, यहाँ पे बस हमें इतना ही काम करना था और कोई काम नहीं करना था। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब देखो हमें क्या है यार, यार अभी तक ये ऑटोमाइज ऑटो लोड ही है क्या, गजब। कोई नहीं, वेट ही करते हैं और क्या कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बना लिया, बस हमें माइग्रेट करना है। तो एक काम करते हैं, देखो अभी हमें रिसोर्सेस भी क्रिएट करने होंगे। चलो हो गया, कोई नहीं, पहले माइग्रेट करते हैं फिर आगे बात करते हैं, खत्म होता है तो पहले माइग्रेट करते हैं। हो गाइस कमेंट करो, तो किसको किसको सॉन्ग आता है, मुझे तो नहीं आता, डांस भी नहीं आता, आपको आता है, जिसको जिसको आता है बताओ। बोथ ऑफ अस सॉरी, मतलब मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग हो, ये नहीं कि मैं बस लड़कों की बात करूं, लड़कियां हो तभी बताओ। यदि आता है तो हाँ कमेंट पे लिखो, नहीं आता तो ना, आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, अपने लोकल लैंग्वेज में लिखो। हाँ लेकिन लोकल में लिखना तो ये भी लिख देना कि इंग्लिश में होता क्या है, पता चले हिंदी छोड़ के कुछ और लोकल लैंग्वेज लिखो, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने लिखा क्या है, तो प्लीज इंग्लिश कंसिडर करना उसके अंदर। चलो PHP आर्टिशन माइग्रेट। देखो यार मैं कीबोर्ड पे सोच रहे कितना इतना मार रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे स्पेस काम नहीं कर रहा है, उसके लिए पटकना पड़ रहा है। ये देखो ये क्या आया, मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट है अबाउट अबाउट अबाउट। अच्छा जी, अच्छा देखो दिक्कत क्या है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट है मेरे डाटा में, क्योंकि मैंने चेक किया था ना तो ऑलरेडी इसमें था। तो चलो पहले डिलीट करते हैं, तो वैसे मैंने उसको डिलीट कर दिया, चलो रीरन करते हैं फिर से, इस बार हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट माइग्रेट एंड ऑल्सो सेकेंड माइग्रेट, राइट, दैट्स गुड। आप चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही है गाइस, चलते हैं HTTP कंट्रोलर स्किल्स कंट्रोलर, क्योंकि पहले तो हमें स्किल्स ही भेजना होगा ना। स्किल्स भेजने के लिए क्या करना, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। डॉलर स्किल्स इक्वल टू स्किल्स पर स्किल होगा कॉलन कॉलन लेटेस्ट एंड गेट नो पेजिनेशन। देखेंगे रिक्वायर्ड जहां होगा वहां पेजिनेशन लगेगा ही, कुछ पूछना ही नहीं। रिटर्न, अब देखो मैं यहाँ पर रिटर्न डायरेक्ट नहीं करता हूँ, रेस्पॉन्स के साथ करता हूँ, ताकि फालतू का हमें डाटा ना आए और एक्स्ट्रा जो एक डाटा फील्ड बनता वो ना बने। स्किल्स रिसोर्स, अभी देखो हमें रिसोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिसोर्स क्रिएट नहीं किया है, डायरेक्ट स्किल्स भी पास करेंगे तो जाएगा, लेकिन फालतू का क्यों करना। PHP आर्टिशन मेक रिसोर्स API क्लास स्किल रिसोर्स, स्किल रिसोर्स, राइट। एंटर मारता हूं,
एक काम करता हूं ना, एक और रिसोर्स में क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर इन्फो रिसोर्स। और यूजर रिसोर्स चलो रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे, अभी के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्किल रिसोर्स कॉलन कॉलन कलेक्शन, और इस कलेक्शन के अंदर पास कर देंगे स्किल्स, राइट, दैट्स गुड। अब चलते हैं स्किल्स रिसोर्स के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ब्रैकेट लाइक दिस, एंटर, आईडी हमें क्या चाहिए, बस आईडी चाहिए, डॉलर दिस एरो आईडी एंड नेम चाहिए, और कुछ तो चाहिए ही नहीं। डुप्लीकेट करो एंड नेम करो, खत्म, ये हो गया, दैट्स गुड एंड क्लोज इट। अब चलो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं थंडर क्लाइंट पे, कलेक्शन वर्क विश एंड स्किल्स, कहाँ गया यार स्किल्स, गेट रिक्वेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, और ऑथ शायद काम कर जाए, ऑथ है टोकन, चलो ये तो काम कर दे, इसके लिए मैं टोकन की जरूरत ही नहीं है, एक हो गया, आ गया, दैट्स गुड, ये वर्क कर रहा है, चलो जी बढ़िया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, अब हमें क्या काम है, अब मैं चलता हूँ प्रोफाइल अपडेट कंट्रोलर पे, राइट, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, मैं देखो पहले तो यूजर लेंगे डॉलर यूजर, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी ऑथ यूजर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब वैलिडेट करेंगे, तो डॉलर वैलिडेट इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट एरो वैलिडेट, और वैलिडेट कैसे करेंगे, लाइक दिस, अरे यार ऑटोमेटिक गया था क्या, कोई नहीं, नेम एरो रिक्वायर्ड मैक्स, और ये मैक्स कितना होगा 50, नीचे ब्रैकेट सॉरी सेमी कॉलन लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा सेमी कॉलन, ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो ईमेल, अब ईमेल हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा ईमेल होगा, एंड ऑल्सो मैक्स होगा, ये भी मैं 50 दे देता हूँ, लेकिन 25 तक सही है, कोई नहीं। अब एक चीज दूंगा यूनिक, यूनिक यूनिक क्या होगा, टेबल यूजर्स कॉलम ईमेल, एंड नेक्स्ट हो जाएगा, देखो ईमेल के बाद ये तीनों को डिलीट करेंगे दोनों को, देन कॉमा लगाएंगे, और बाहर लाइक दिस आ गया, ऑटोमेटिक हमारा सजेशन से आ गया। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ फोन, सॉरी नंबर, हाँ फोन, और यहाँ पे ईमेल को रिमूव कर दूंगा, राइट, हो गया मैक्स, यहाँ पे भी फोन कर देंगे, यानी कि अब यूनिक हो गया। अब देखो, अच्छा टाइपिंग गलत हो गया, फोन हो गया। अब यहाँ पे आईडी मैंने क्यों पास किया है, यदि सेम यूजर है तो उसको तो एरर नहीं दिखना चाहिए, नहीं पता जिसको बोलेगा भाई मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ऐसा तो चाहिए नहीं। लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन, और ये देखो ये जितने भी फील्ड है ना, ये डाटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, सेम एज मैंने नाम रखा है, ताकि वन टाइम में मैंने वो काम कर सकूं, क्या बोलते हैं यार, मास क्रिएट नलेबल, यहाँ पे मैंने इसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, नलेबल है कि ऑप्शनल रहेगा, उसके बाद से इसको डुप्लीकेट करते हैं, और अबाउट, अबाउट मैं करूंगा इसको रिक्वायर्ड कर दूं, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं, और अबाउट का मैं मैक्स डाल देता हूं, इसको भी 250, और इसको भी डाल देता हूं मैं 250, राइट, दैट्स गुड। वैसे ये तो 100 पे काम चल जाएगा, मर्जी आपकी है, जितना चाहो ऐड करो। अब आते हैं नीचे, अब पहले तो करेंगे डॉलर यूजर एरो अपडेट, और इसमें पार्स कर देंगे वैलिडेटेड डाटा, राइट, ये हमारा हो गया। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अवतार सेट करना है ना, यानी कि लोगो, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे यदि लोगो एग्जिस्ट करता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डॉलर रिक्वेस्ट ऑलरेडी आया था, रिक्वेस्ट हैश पासवर्ड ऐसा नहीं चाहिए, हैश फाइल, हैश फाइल, और यहां पे मैं करता हूं अवतार, राइट,
और यहां पे कर देंगे डॉलर यूजर एरो एड मीडिया। एक काम करता हूं ना, कॉपी पेस्ट मारता हूं डी पैनल यूजर, और यहां से मैं कर लेता हूं कंप्लीट को कॉपी, एंड यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट जो हमने डी पैनल में क्रिएट किया था यूजर वाले कंट्रोलर पे। और यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे यूजर मॉडल को, ये हमारा हो गया। यहां पे बस अवतार है तो यहां पे भी अवतार ही करेंगे क्योंकि इस नाम से आएगा फाइल, ये हमारा। अब हमें चाहिए स्किल्स, क्योंकि हम स्किल्स भी तो भेज रहे हैं, तो यहां भी चेक करेंगे इफ स्किल्स एग्जिस्ट करता है तो रिक्वेस्ट एरो हैज स्किल्स, यस के आई डब्ल एस स्किल्स एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे डॉलर यूजर, क्योंकि हम यहाँ पे सिंक कर रहे हैं, सॉरी अपडेट कर रहे हैं, तो एस के आई डब्ल स्किल्स एरो सिंक एस वाई एन सी, और यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट एरो स्किल्स और सेमी कॉलन भूलना मत। हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यूजर इन्फो स्टोर करना है। तो यूजर इन्फो स्टोर करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल यूज करें, क्योंकि हम एडमिन सॉरी बैकएंड से भेजेंगे अलग अलग ताकि दिक्कत ना हो, एक साथ भेजने में ज्यादा दिक्कत होगा यूजर को भी सबके लिए, और हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा। दिखाता हूँ, ये रहा अपडेट पासवर्ड अपडेट प्रोफाइल, में दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। ये देखो मैंने क्या किया, इमेज तो नहीं यहाँ पे भेजा है, नेम नेम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस नाम से दो भेजा, डाटा का फॉर्मेट दोनों सेम है बट लाइक दिस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन राइट दैट्स गुड। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इम्पटी एरे बनाऊंगा यूजर इन्फो, मन करे तो यस जोड़ दो, जोड़ ही देते हैं इन्फो और एम्पटी एरे बनाते हैं एंटर। अब यहां पे कर इफ इफ ओ माय गॉड रिक्वेस्ट एरो हैज, यहां पे क्या करेंगे कॉपी पेस्ट मार देते हैं एजुकेशन फटाफट। अरे काम करता हूँ इसको डुप्लीकेट ही कर देता हूँ एक बार, या लिखने के बाद डुप्लीकेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉरिच लूप या तो पीएचपी का बेसिक, तो मैं फॉरिच लूप नहीं यूज करूंगा, पीएचपी का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा डॉलर एजुकेशन ईडीयू, मर्जी आपकी है, क्योंकि देखो जो पीएचपी का फंक्शन है बेसिक या फास्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट पीएचपी से चल रहा है। तो मैं करूंगा इक्वल टू एरे मैप, एरे मैप, और इसमें पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक और दूसरा होता है एरे, तो मैं पहले दूसरा ही पास करता हूँ, ब्रैकेट लगा के मैं दूसरा पास करता हूँ रिक्वेस्ट एरो एजुकेशन। कॉपी लग रहा है दूसरा मैंने कर दिया, तो मैं एजुकेशन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो पहला पैटर्न में कॉल बैक पास करना है, तो कॉल बैक मैं कैसे पास करता हूँ शॉर्ट फॉर्म एफ एन लाइक दिस। अब ये जब एफ एन इसमें आया तो इसमें एक वैल्यू भी आएगी, नहीं आएगी मर्जी आपकी, इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं ना, वैल्यू आएगी क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है, तो मैं करता हूँ ईडीयू। देखो ऑलरेडी दे रहा था सजेशन, देखो दे दिया, कोई नहीं अभी मैं बताता हूँ, कुछ ज्यादा हो गया क्या, कुछ ज्यादा हो गया, लिखना पड़ेगा वैल्यू, या हाँ वैल्यू डालते हैं ईडीयू डालते हैं ईडीयू राइट एरो। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक ब्रैकेट लेंगे लाइक दिस, यहाँ पे करेंगे टाइप टी वाई पीई जो कि हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लाइक दिस एंड यूजर टाइप, ओ माय गॉड यूजर, अभी मॉडल में कुछ चेंजेस करने हैं, यूजर इन्फो टाइप यूजर इन्फो, अच्छा मैंने बनाया नहीं इसीलिए नहीं आ रहा है, चलो कर ही लेते हैं पहले यूजर इन्फो टाइप को क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि बेटर है कि वही इसको ही पहले क्रिएट किया जाए, फालतू का क्यों पंगा लिया जाएगा। तो यूजर इन्फो टाइप पे चलते हैं, यहाँ पे इनम रोल इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर इन्फो टाइप, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ सेव
एंड देखो ये हो गया, इसको मैं पहले रीनेम कर लेता हूँ, कंट्रोल टी। अच्छा एक ही जगह है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कंप्लीट को डिलीट मारेंगे यहाँ तक, और ये हमारा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइक दिस। यहाँ पे करता हूँ एजुकेशन इक्वल टू एजुकेशन, राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ वर्क, सॉरी वर्क या एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, या वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस और यहाँ पे भी हो जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, वर्क हाइफन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, राइट। अब यहाँ पे एक काम और करेंगे, तो मैं चलता हूँ जॉब टाइप में और यहाँ से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ना, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है रिक्वायर्ड पड़े, नहीं पड़ेगा तो कोई बात ही नहीं। बस ये हो गया हमारा, इसको खत्म। अब चलते यूजर इन्फो मॉडल पे, यूजर इन्फो मॉडल पे। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा। एक काम करते हैं, पर यूजर से कॉपी मारते फिर काम किया जाएगा। तो पहले तो देखो इसको कॉपी मारो, पेस्ट करो, एंड कास्ट, कास्ट को टाइप मारो, सॉरी कॉपी मारो एंड पेस्ट करो, राइट। पासवर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, ईमेल के जगह पे मैं डालता हूँ स्टार्ट, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और रोल के जगह पे डालता हूँ टाइप। और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर इन्फो टाइप, कलर का क्लास ऑलरेडी है, स्टार्ट टाइम और डेट टाइम है ना, तो इस पर थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे वाई हाइफन एम हाइफन डी, और इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको लिखते हैं टिल, क्योंकि मैंने डाटाबेस में टिल लिखा था, राइट। यहाँ पे हो गया काम खत्म, इसको करो क्लोज। अब यहाँ पे आते हैं, ये कहा है, इसको बंद करो, यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे करें यूजर इन्फो टाइप कॉलन कॉलन एजुकेशन, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ये काम किया ना, यूजर कॉलन कॉलन टाइप इनपुट, हमें ओल्ड डाटा भी तो चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट से बाहर आएंगे, प्लस लगाएंगे, और जो भी हमें प्लस ईडीयू है ना, यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है इसको इसके साथ मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब ऐसे करेंगे तो इसके साथ वो मर्ज हो जाएगा। वैल्यू हमारे इसके अंदर पास हुआ, ये इसके अंदर आया, फिर ये मर्ज हो गया, राइट। इतना काम हमने किया। अब क्या करेंगे, नीचे एंटर मारेंगे, एरे अंडर स्कोर पुश, और इसमें क्या करना होता है, डॉलर यूजर इन्फो लाइक दिस आ गया सजेशन, बात ही खत्म। देखो मैंने यूजर इन्फो के लिए ये लिया एंड ट्रिपल डॉट लगा के ईडीयू कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे इक्वल किया है। एक काम करते हैं, इसको वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि डबल हो जाएगा कंफ्यूजन कि कौन सा कहाँ का है। अब कंफ्यूजन है, ये जो ईडीयू है इसके अंदर आ गया, राइट। अब मैं इसको फॉर्मेट थोड़ा सा कर लेता हूँ, फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ये इसका है, एक एक्स्ट्रा किसका आ गया, कहीं एरर है क्या यार। अच्छा एक एक्स्ट्रा आ गया है, अब सही हो गया, अभी भी एरर दिख रहा है, नहीं सही हो गया। अब देखो इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे करेंगे एक्सपीरियंस। डुप्लीकेट मैंने किया ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस और यहाँ पे एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे भी exp कर देते हैं, exp। जो अब यहाँ पे मैंने exp किया तो यहाँ पे भी exp हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वर्क एक्सपीरियंस जो कि टाइप है, राइट। ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इफ काउंट डॉलर यूजर इन्फो, यानी एग्जिस्ट करता है तब डॉलर यूजर एरो यूजर इन्फो। देखो अब एक चीज हमने क्या किया, यूजर वाले में रिलेशन नहीं क्रिएट किया, चलते हैं यूजर मॉडल पे, और यहाँ पे एक हैज मेनी का रिलेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो पब्लिक
और यहां पे करेंगे यूजर इन्फोस हैज मेनी, एंटर करेंगे रिटर्न $30 हैज मेनी एंड यूजर इन्फो कॉलन कॉलन क्लास, राइट, दैट्स गुड। हमारे ये काम हो गया। अब यही काम, ओ माय गॉड, यही काम मैं कॉपी करता हूं, यहां पे आता हूं और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं यूजर इन्फो, राइट, लाइक दिस। अब देखो मैंने क्या किया, ऐसे किया क्योंकि हमने तो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, हमारा सिंक काम करेगा परफेक्टली, तो एरो यस वाई एन सी लाइक दिस, मैंने एस वाई एन सी यहां से लिखा है और यूजर इन्फो पास कर देंगे लाइक दिस, हो गया ना। अब देखो हमारा सब कुछ अपडेट हो गया, नीचे आएंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं डॉलर यूजर और लोड कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे यूजर का डिटेल्स भी हमें रिटर्न कराना है, तो लोड मिसिंग, लोड मिसिंग करेंगे यहाँ पे स्किल्स जो कि अपडेटेड हुआ है एंड यूजर इन्फो, यूजर इन्फो यहाँ पे मिसिंग से लोड करा लेंगे एंड रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे यूजर रिसोर्स क्रिएट करेंगे, तो करते हैं रिसोर्स वाला कहाँ गया यार, हमने तो अभी क्रिएट किया था, ये नहीं किया था, ऐसे कैसे हो सकता है यार, रिसोर्स तो हमने क्रिएट किया था। चलो कोई नहीं, पीएचपी आर्टिशन मेक रिसोर्स एपीआई स्लैश यूजर रिसोर्स, एंटर किया मैंने। अब यहां पे करेंगे यूजर रिसोर्स अभी तक आया नहीं, यूजर रिसोर्स एक काम करता हूँ यूजर रिसोर्स कॉलन कॉलन मेक, यहाँ पे कलेक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे मेक करेंगे, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे सिंगल डाटा जाएगा, और डॉलर यूजर पास करेंगे जब यूजर्स होता, यानी कि मल्टीपल डाटा आ जाता है, इस यूजर्स लिखे हुए क्या एक उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल डाटा जाता तो कलेक्शन करता है। चलो यूजर्स पे चलते हैं, अब जब यूजर रिसोर्स पे आ गए हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, फटाफट मैं करता हूँ, देखो ऑलरेडी 32 या 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत कटेगा तो 1 से 2 मिनट कटेगा। आईडी दिस एरो आईडी लाइक दिस, फटाफट मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ लाइक दिस, नेम उसके बाद ईमेल फोन वेबसाइट, अब यहाँ पे देखो वेबसाइट की मैं जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कंपनी के लिए है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स में डाल देंगे, लोकेशन होगा तो चला ही जाएगा नहीं तो कोई बात ही नहीं है, अबाउट एंड स्किल्स एस के आई डब्ल्यू एस स्किल्स राइट एंड यूजर इन्फो यूजर, सॉरी ओ माई गॉड ज्यादा हो गया, आईडी में डबल सेलेक्ट करता हूँ, यूजर यूजर अंडर स्कोर इन्फो इन्फो राइट, इनको डिलीट मारो। अब देखो क्या करें, ये जो स्किल्स है ना इसका हमने ऑलरेडी रिसोर्स क्रिएट किया, तो मैं क्या करूंगा स्किल्स कट करता हूँ और यहां पे करूंगा स्किल रिसोर्स कॉलन कॉलन कलेक्शन क्योंकि मल्टीपल आएगा, और यहां पे दिस यानी एग्जिस्ट करता हो तभी जाए अदरवाइज ना जाए व्हेन लोडेड, बस ऐसे कर देना, यदि एग्जिस्ट करेगा तो जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा,
अब देखो ये काम हमें यूजर इन्फो में भी करना पड़ेगा, तो मैं एक और रिसोर्स क्रिएट करता हूं, यूजर इन्फो रिसोर्स, एंटर किया मैंने। सेम काम यहां पे भी करते हैं, तो मैं काम करता हूं ना फटाफट, मैं डुप्लीकेट करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, यूजर इन्फो रिसोर्स, और यहां पे कर देंगे हमारा क्या था कलेक्शन का नाम, सॉरी रिलेशन का नाम, सेम कॉपी करेंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे। राइट, हमारा ये तो बना हुआ, यूजर रिसोर्स पे चलते हैं, यूजर इन्फो रिसोर्स पे, क्योंकि यहां भी तो डाटा में चेंज करना पड़ेगा ना, यहां भी फॉर्मेट के हिसाब से भेजना पड़ेगा। चलो करते हैं आईडी, सॉरी लाइक दिस, दिस एरो आईडी। अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं फटाफट, टाइप टाइप के वास्ते टाइटल, और टाइटल के वास्ते लेबल, और लेबल के वास्ते स्टार्ट, जो कि स्टार्ट टाइम हो जाएगा एंड टिल। राइट, अब यहां पे देखो थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा, यहां पे मैं चलता हूं लाइक दिस फॉर्मेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ, ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइप कास्ट किया, तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो यार मैंने ये वाला एरो लगा दिया लाइक दिस, और ये हो जाएगा हमारा वाई हाइफन एम हाइफन डी। सेम काम यहां भी करेंगे, बट यहाँ पे नलेबल भी होगा ना, तो यहाँ पे देखो टिल के बाद क्वेश्चन मार्क पास कर देंगे तो हमारा एरर नहीं देगा, नलेबल होगा तो बस नल पास कर देगा। ये हमारा हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और चलो अपडेट वाला हिट करके देखते हैं। एक चीज बता दूं, देखो यदि यहां पे आईडी एग्जिस्ट करेगी, यदि यहां पे आईडी एग्जिस्ट करेगी तो वो अपडेट करेगा, और नल रहेगा तो वो क्रिएट करेगा। राइट, अब ये चीज हमें कैसे हैंडल करना है वो तो जब फ्रंट एंड पे कोड होगा तब देखा जाएगा। एक बार हिट करते हैं, हो गया अनऑथेंटिकेटेड, लो एक झंझट अलग से आ गई भाई, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, लॉगिन ठोकता हूं। अरे यार गजब बेइज्जती है, मैंने क्या किया, पासवर्ड चेंज कर दिया क्या? पासवर्ड चेंज करने का तो ऑप्शन लगा ही नहीं है। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3 है, इसी को कर लेते हैं, शायद ये काम कर जाए। चलो कोई तो काम किया, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ अपडेट पासवर्ड, सॉरी प्रोफाइल, और ऑथ टोकन पे यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। देखो कॉल अनडिफाइंड मेथड सिंक, अच्छा वाई, अच्छा नल डाटा जा रहा है, अच्छा जी क्यों, वाई वाई वाई, ये तो यार बहुत सारा डाटा है। स्किल्स है, स्किल्स तो मैंने क्या किया यार, यहाँ पे स्किल्स जा नहीं रहा है। ये यार अपडेट पासवर्ड बाढ़ में जाए, रजिस्ट्रेशन बाढ़ में जाए, ये रहा हेडर बोर्ड लाइक दिस, मैं बंद करता हूँ। अच्छा स्किल्स 1 2, स्किल्स लग रहा है नहीं, अच्छा जी काम करते हैं, स्किल्स में देखते हैं पहले स्किल्स हमारा कौन कौन सा है। देखो 3 2 1 है तो यार, तो 1 2 सही तो है। अच्छा सिंक ऑन नल, कॉल अनडिफाइंड मेथड, लाइन नंबर 35, 35 पे क्या चीज कॉल हुआ है, यूजर स्किल्स मैंने गलत डाला है क्या? अच्छा तो देखो यार मैंने क्या किया है, मैंने रिलेशनशिप डिफाइन ही नहीं किया है ना। अब विदाउट रिलेशन किए हुए कुछ भी किसी के साथ हरकत कर दोगे क्या कहेगा, कैसी ठोकेगा ना। अब कोडिंग के साथ करोगे तो एरर ठोकेगा, ठोक दिया बच्चे ने। यस के आई डब्ल्यू स्किल्स लाइक दिस एंड मोर्फ टू मेनी,
मोर टू मेनी। सिंपल सी बात है, कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट करो, जाओ आप जॉब लिस्टिंग वाले पे, स्किल्स को कॉपी करो, यूजर पे आओ और पेस्ट मार दो भाई, काम खत्म। और यहाँ पे भी थोड़ा इंपोर्ट कर लो, मोर टू मेनी, खत्म खत्म। चलो अब करते हैं अपडेट। ये रहा, आई होप सक्सेस हो जाए। अब क्या ये है, डजेंट एग्जिस्ट इक्वेलेंट मेथड, 21 पेज पे है, अपडेट प्रोफाइल नंबर 35। गजब पेज भी है यार, सेव नहीं हुआ क्या? स्किल्स की स्क्रिप्ट बेस्ट काम, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है यार, दिक्कत क्या है? स्किल्स 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 ये दे क्या रहा है भाई? मेथड डाटाबेस इक्वेलेंट सिंक डज नॉट एग्जिस्ट, यस वाई एन सी। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? अच्छा ये इंपोर्ट कुछ और हो गया क्या? लारावेल इक्वेलेंट मॉर्फ मैनी, ये एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इससे क्या लेना देना। तो काफी लंबा खींच गया यार, हम सोचे आधा घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सिंक डज नॉट एग्जिस्ट, यार गजब पेज थी ये, 35 नंबर के लाइन पे हम लोगों ने किया क्या है? लाइन नंबर 35, लाइक दिस, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ टाइपिंग मिस्टेक मार दिया है? देखो यार क्या दिक्कत है, यहाँ पे स्किल्स ऐसे रहेगा, ब्रैकेट मैंने यूज नहीं किया है और सेम काम, अच्छा मैंने इसमें यूज किया। चलो अब हिट करते हैं, दैट्स गुड। देखो आ गया ना, अब ये जो यूजर इसको आईडी के साथ आ रहा है तो हम आईडी भेज ही सकते हैं, जाहिर सी बात है, अगर भेजेंगे तो अपडेट होगा, क्रिएट नहीं होगा, सिंपल सी बात, ये हो गया। अब एक काम करते हैं ना, देखो हमारा यूजर लॉगिन पे चलते हैं एंड रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं और कुछ चीजें चेंज करें। पहले तो सारा क्लोज करो यार, फालतू का हो गया। लॉगिन कंट्रोलर, राइट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो हम लोग यूजर भेज रहे हैं ना, कट करेंगे, यूजर सॉरी यार, यूजर रिसोर्स लाइक दिस, कॉलन कॉलन मेक लाइक दिस, यहाँ पे यूजर पास कर देंगे। और यहाँ पे काम करता हूँ सेम एज, यहाँ से कॉपी करता हूँ ये लोड फिशिंग वाला, और यहाँ पे आके पास कर देता हूँ जस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर, राइट, दैट्स गुड। और सेम काम हमें रजिस्ट्रेशन वाले में भी करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं और यहाँ पे एंटर करके सेम काम कर देते हैं, पेस्ट, और ये भी यहाँ हो जाएगा यूजर रिसोर्स कॉलन कॉलन मेक, और इसके अंदर पास कर देंगे डॉलर यूजर, ये हो गया। अब कुछ करना है देख लेते हैं वन टाइम, आई थिंक आज के लिए तो मैंने कंप्लीट, फाइनल कंप्लीट कर दिया है। ये देखो मैंने एरर कर दिया, कोई नहीं सॉल्व है। आई थिंक देखो हमने यूजर पे फिक्स कर दिया ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं था, जैसे मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहे थे, फॉर्मेट पे रिस्पॉन्स होगा ना, यूजर इन्फो हमने बना ही लिया लॉगिन से। चलो तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं, अपडेट वाला कर दिया जो बाकी हो किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। यहाँ पे पहले यार ब्रांच क्रिएट करें डेटेन, अरे ये क्या हुआ, ऑलरेडी एग्जिस्ट, गजब भेजती है, डे -10, और ये रहा क्रिएट न्यू ब्रांच, इसको मैं कर देता हूँ कमिट। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ना लगे तब भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
एंड नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।